फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक लेक्चर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेलुलर नेटवर्क। ये वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का ही कंटिन्यू वीडियो है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का आउटलाइन। आज मैं जो कवर करने वाली हूँ, अर्लियर मोबाइल सिस्टम क्या था वो, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर नेटवर्क, व्हाई इज द शेप ऑफ सेलुलर इज हेक्सागोनल, फ्रीक्वेंसी रीयूज, सेल प्लानिंग, कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रेडियो सिस्टम। ठीक है, तो आज मैं इतनी चीज़ें आपको कवर करने वाली हूँ। एंड पहले मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, एक ने मुझे बोला था कि आपकी माइक सही नहीं है। तो श्योर सर, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद माइक मैं चेंज कर लूँगी। एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं ईयरफोन की हेल्प से ही कर रही हूँ। और एक ने मुझे फ्रेंड के लिए पूछा था, तो सॉरी बट मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ। मैं जो मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के संग शेयर करने आई हूँ। मैं यहाँ फ्रेंडशिप करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को अपनी नॉलेज जो भी मैंने सीखा है अब तक, मैं उन सारी चीज़ों को आपके संग शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी उन चीज़ों को जानो। तो मैं बस आप लोग की हेल्प करने आई हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ फ्रेंड बनाने नहीं आई हूँ, तो सॉरी मैं आपकी फ्रेंडशिप नहीं एक्सेप्ट कर सकती, बट थैंक यू इतना अच्छा ऑफर देने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या था कि जब ये पहले ज़माने में क्या हुआ था कि एक ट्रांसमीटर स्टार्ट हुआ था जो वेरी हाई पावर का था। ठीक है, और उसको कुछ एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया को वो कवर कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का ट्रांसमीटर था। तो वो क्या कर रहा था कि ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें जो भी फ्रिक्वेंसी थी उसे हम रीयूज़ नहीं कर सकते थे। यानी कि जो फ्रिक्वेंसी उस एरिया में यूज़ हो रहा है उसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते थे। और दूसरी चीज़ कि वो बहुत बड़ी सी एरिया में एक ट्रांसमीटर था, एक ट्रांसमीटर इतनी बड़ी एरिया को कवर कर रहा है, और उस एरिया को कवर करने के लिए उसको हाई पावर ट्रांसमीट लग रहा है। इनफैक्ट उसको हाई पावर की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो इसकी दो डिसएडवांटेज थी कि एक तो ये था कि बहुत ज़्यादा पावर उसको चाहिए उसे काम करने के लिए, प्लस उसमें जो भी फ्रिक्वेंसी वो यूज़ कर रहा था उसको रीयूज़ नहीं कर सकता था। ये पुराने जो भी ट्रांसमीटर थे उसकी ये प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, और उसी को इम्प्रूवमेंट करते हुए ये सेलुलर नेटवर्क आया। सेलुलर नेटवर्क क्या है कि कवरेज एरिया ऑफ बेस स्टेशन इज नोन एज सेल। यानी कि जो एरिया है सेल, जैसे स्मॉल स्मॉल एरिया हैं उनको सेल्स कहा गया है, उन स्मॉल स्मॉल एरिया में एक छोटे छोटे बेस स्टेशन लगाए गए हैं। और वो जो जो बेस स्टेशन लगा है वो जिस एरिया को कवर कर रहा है उसी एरिया को सेल कहा गया है। यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारे पहले में क्या था कि एक ही ट्रांसमीटर यूज़ हो रहा था जिसमें बहुत सारे पावर लग रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या गया, सेलो नेटवर्क में क्या किया गया कि उन एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड हुए हैं उनको सेल का नाम दे दिया गया, और हर एक सेल में एक ट्रांसमीटर यूज़ हुआ। वो ट्रांसमीटर क्या था कि लो पावर, जो उसमें पावर रिक्वायरमेंट हो रही थी वो लो हो रही थी, लो पावर रिक्वायरमेंट हो रही थी और छोटे एरिया को कवर कर रहा था वो। इसीलिए क्या किया गया कि जो हमारा एरिया था उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, और हर एक एरिया में एक बेस स्टेशन लगाया गया, एक ट्रांसमीटर लगाया गया, और उस ट्रांसमीटर की हेल्प से वहाँ के एरिया को कवर किया गया। और वही छोटे छोटे जो सेल्स थे उन्हीं को मिला के क्लस्टर बना। यही चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, यूज़ लो पावर ट्रांसमीटर एंड दिस ट्रांसमीटर इज ऑल्सो नोन एज बेस स्टेशन। ये जो ट्रांसमीटर लो पावर ट्रांसमीटर यूज़ हो रहा है, और ये जो ट्रांसमीटर है इसी को ही बेस स्टेशन कहा गया है। सेल में ये देखिए, ये जो सेल है इस सेल में एक ये लिखा है ना, वन मैंने लिखा है, ये एक एंटीना की तरफ दिखा रही हूँ मैं, तो यहाँ पे एक एंटीना है। ठीक है, तीसरी को ये बेस स्टेशन कहते हैं। दिस बेस स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज बेस ट्रांसीवर स्टेशन। इसको बेस ट्रांसीवर स्टेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ट्रांसीवर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये ट्रांसमिट और रिसीव दोनों काम ये करता है, इसी वजह से। ओ ओ, ये मैंने मिस्टेक कर दिया है, एक ही लाइन को दो बार कर दिया कॉपी।
तो ये गलत हो गया, ठीक है, इसको आप रिमूव कीजिएगा। तो इतनी चीज़ें थी, ठीक है। ये रहा हमारा सेल, ये हेक्सागोनल के शेप में है, यही हमारा सेल है जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट बताया है। सेल, ये वही सेल है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहा है, और इसमें जो ट्रांसमीटर लगा है वो लो पावर का ट्रांसमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड अ क्लस्टर। अब ये छोटे छोटे सेल्स हैं, इन छोटे छोटे सेल्स को ही मिला के एक क्लस्टर बनता है। एंड इट यूज कंप्लीट सेट ऑफ एवरीएबल फ्रिक्वेंसी, यानी कि इनके पास जितनी भी फ्रिक्वेंसी है, ए फाइव के पास कोई फ्रिक्वेंसी होगी, टू के पास भी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होगी, वन के पास अपनी होगी, थ्री सिक्स सेवन फोर, इन सब के पास अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है। तो ये क्लस्टर क्या करता है कि जितनी भी इसके पास फ्रिक्वेंसी है वो पूरी फ्रिक्वेंसी को अच्छी तरह से यूज़ करता है। शेप ऑफ द सेल इज हेक्सागोनल बिकॉज इट कवर अ लार्ज एरिया। इस शेप, ये जो हेक्सागोनल, इस शेप को हेक्सागोनली शेप क्यों डिसाइड किया, इसे डिसाइड किया गया क्योंकि वो लार्ज एरिया को कवर कर रहा था, इसीलिए कलस्ट ये जो सेल है उसको हेक्सागोनल के शेप दिया गया था। वाई इज द शेप ऑफ द सेल इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का नाम क्यों दिया गया, मैंने अभी आपको पीछे पॉइंट में बताया है कि हेक्सागोनल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो लार्ज एरिया को कवर कर रहा था। यहाँ आप देखिए, मैंने एक सर्कल का लिया है, सर्कल का एग्जाम्पल। सर्कल क्यों नहीं लिया गया, सर्कल इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ ये ओवरलैप कर रही हैं आपस में, ऐसे ट्राइंगुलर है। ट्राइंगुलर भी देखिए कितने ज़्यादा ट्राइंगुलर, अगर हम एक हेक्सागोनल लेते हैं तो देखिए आपका एक हेक्सागोनल तैयार हो जाएगा। एक अगर आप ट्राइंगुलर ले रहे हो तो इसमें देखिए छोटे छोटे ट्राइंगुलर है, फिर उसमें भी आप बेस स्टेशन बनाओगे तो ये ज़्यादा आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा, और काम तो वही करेगा, लो पावर रिक्वायरमेंट तो ही है ना, और जो उससे इजिली हो जा रहा है, इसी वजह से इसको नहीं लिया गया। स्क्वायर शेप भी इसी तरह से है। हेक्सागोनल का देखिए ये क्या है, छोटे छोटे हेक्सागोनल्स हैं, इन सभी हेक्सागोनल्स को मिला के एक क्लस्टर बन रहा है। सिक्स इसके पैरामीटर्स हैं, यानी कि सिक्स इसके साइड्स हैं, ये सिक्स साइड्स के बीच में है, और ये जो है लार्ज एरिया कवर कर, जितनी एरिया ये कवर करता है ना उतनी एरिया ना ये स्क्वायर कर सकता है कवर, ना ये ट्रायंगुलर कर सकता है, ना ये सर्कल कर सकता है, इसलिए हेक्सागोनल को चूज किया गया क्योंकि ये लार्ज एरिया कवर कर रहा था। नेक्स्ट, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने खुद ड्रॉ किया है पावर पॉइंट पर, तो उतनी सी से नहीं ड्रॉ हुई है, बट या मैं आप लोगों को समझाने के लिए की हुई हूँ। ये देखिए, ये हमारे सेल्स हैं जो मैंने आपको सेल्स बनाए ना इस हेक्सागोनल में, ये वही सेल्स हैं। इनको एक एरिया दे दिया गया है कि आप इतने एरिया को कवर करो, आप इतने एरिया को, आप इन लोगों को एक एक एरिया लोकेटेड कर दिया गया है, और सॉरी, और उन एरियाज में क्या गया, एक एंटीना लगा दिया गया है, यही इसी एंटीना को और ट्रांसीवर भी कहते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी है, ठीक है, कार है, जा रही है यहाँ से, ये अभी फोन पर बातें करते हुए गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो मालूम है ये गैर कानूनी है, कोई भी आप व्हीकल्स चलाते हो तो मोबाइल में बात करना अलाउ नहीं है, बट मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रही हूँ। बहुत लोग अभी भी इस चीज़ को करते हैं, गाड़ी चलाते टाइम ही फोन पर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ आप देखिए, ये जो बंदा है कार चला रहा है, ये फोन पे बातें करते हुए चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एंटीना है वो इस कार को फ्रिक्वेंसी दे रही है, अपनी फ्रिक्वेंसी दे रही है। जैसे ही ये कार इस एंटीना की कवरेज से बाहर जाएगा, तुरंत इसको ये वाला कवरेज देने लग रहा है, ये अपनी फ्रिक्वेंसी देने लग रही है, इसी तरह से ये इधर जा रहा है तो ये इसको देने लग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली बात कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो बातें करने की है इनमें इंटरप्शन नहीं आ रही, फोन कॉल कट नहीं रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली बात किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये छोटे छोटे सेल्स में डिवाइडेड है, और ये जहाँ इस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में एंटर कर रहा है, तुरंत क्या हो रहा है कि ये एरिया का फ्रिक्वेंसी कट हो रहा है, इस एरिया का फ्रिक्वेंसी कनेक्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो बातें करने की जो बात कर रहे हैं ये लोग, वो बीच में बात कट नहीं हो रही है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है, आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना यार। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी रीयूज, मैंने अभी आपको बताया है कि पुरानी जो सिस्टम थी उसमें फ्रीक्वेंसी को रीयूज नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसमें क्या था कि फ्रीक्वेंसी को हम रीयूज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रीयूजिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द सेम रेडियो फ्रीक्वेंसीज विद इन अ गिवन एरिया दैट आर सेपरेटेड बाई अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी रीयूज इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी प्लानिंग, यानी कि ये आप देख रहे हो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर देखिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ये क्या है, एक क्लस्टर्स हैं। ये क्लस्टर देखिए, तीन यहाँ पर क्लस्टर बनाया है मैंने, ये देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है
यही फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है। यहाँ पे ए है, ये देखिए यहाँ पे भी ए आ गया, फिर ये आर, यानी कि जो इस ए के पास जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी यूज़ हो रही है। जैसे यह जी है, जी के पास जो फ्रीक्वेंसी एलोटेट किया गया है वही फ्रीक्वेंसी इस जी के पास भी दिया गया है, वही सेम फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी जी के पास है। तीसरी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। रीयूज मतलब जो आपके पास फ्रीक्वेंसी उसी चीज़ को रीयूज करना। लेकिन इसमें यह है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी पास पास में है तो बातें करने में प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे ए जो फ्रीक्वेंसी है इसके पास अपना ए एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मान लिया सी की जगह ए होता तो दोनों देखिए पास पास में है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा यहाँ बात कर रहा है, अगर कोई बंदा यहाँ बात कर रहा है तो दोनों की बातें क्या होती है, मिसमैच हो जाती है। इनफैक्ट दोनों की बात आपको इसकी बातें उसको सुनाई देने लगती है, उसकी बात वे आपस में ना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, बात नहीं कर पाए, उसकी बात आपको सुनाई देती है, आपकी बात उसको सुनाई देती है। देखिए यहाँ क्या हुआ है कि एक फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ है इस क्लस्टर में है, दूसरी फ्रिक्वेंसी इस क्लस्टर में, तो देखिए इन दोनों के बीच डिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। काफ़ी डिस्टेंस होने की बात होने की वजह से ही इन दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है बात करने में, आराम से बात कर ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ का FM अलग है, ठीक है, और मान लेते हैं दिल्ली का FM ले लेते हैं, तो यहाँ गोरखपुर का FM क्या है और दिल्ली का FM में क्या है कि मान लिया कि सेम फ्रिक्वेंसी यूज़ हो रही है दोनों जगह, लेकिन हो क्या रहा है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम जो FM पे सॉन्ग सुन रहे हैं और वहाँ जो सॉन्ग सुना जा रहा है वो देखिए आपस में कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं, मिसमैच नहीं हो रहे हैं। मुझे वहाँ की सॉन्ग नहीं यहाँ सुनाई दे रही है, मुझे जो यहाँ पर एलोकेटेड किया गया है सॉन्ग जो फ्रिक्वेंसी के साथ वही हमें सुनाई दे रही है। लेकिन अगर यही होता है कि मैं यहाँ एक अलग फ्रिक्वेंसी सुन रही हूँ, मेरी एक यहाँ गोरखपुर में एक अलग फ्रिक्वेंसी है, और यहीं पे अगर मान लेते हैं TPLM हो गया या फिर गीडा हो गया या फिर नौसर हो गया, फिर मेरे आस पास की कोई और एरिया है जिसको सेम फ्रिक्वेंसी दिया जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरी और फ्रीक्वेंसी जो है वही फ्रीक्वेंसी उधर भी है, वो कुछ और सुन रहा है, मैं कुछ और सुन रही, देखिए क्या हो रहा है कि उसकी चीज़ें मेरे पास आ रही है, मेरी चीज़ें उसके पास आ रही है, दोनों में क्या हो रहा है कि आपस में ना खिचमिच हो जा रही है। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर हम पास पास में फ्रिक्वेंसी को रीयूज करें, एक्सचेंज करें, तो इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए जो फ्रिक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट था ये एक डिस्टेंस पे किया जा रहा था कि ये डिस्टेंस रहेगा तो आपस में मिसमैच नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए एक क्लस्टर यहाँ है, यहाँ ए है और दूसरा यहाँ पे है, तो इन दोनों में काफ़ी डिस्टेंस है जिसकी वजह से ये इजिली एक दूसरे फ्रिक्वेंसी को रीयूज कर सकते हैं। जो फ्रिक्वेंसी ये यहाँ है वही फ्रिक्वेंसी यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है, तो ये फ्रिक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सेल्फ प्लानिंग। सेल्फ प्लानिंग मैं बता रही हूँ, ये आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ जो के है, नंबर ऑफ चैनल एलोकेटेड इन ईच सेल इन अ क्लस्टर, क्लस्टर में सॉरी, नंबर ऑफ चैनल चैनल जो सेल एक सेल में कितने नंबर ऑफ चैनल्स एलोकेटेड किए गए हैं। एक जैसे मान लीजिए एक क्लस्टर है, क्लस्टर में जैसे यहाँ देखिए ये बी सी डी ई एफ जी ए, ये जितना है एक क्लस्टर, ठीक है। तो कहा गया है कि इन सभी क्लस्टर में जो एक सेल्स है उन एक सेल्स पे जो चैनल दिया गया है उसको हम के से, नंबर ऑफ चैनल जो दिए गए हैं उनको हम के से डिनोट करते हैं। एंड क्या है क्लस्टर साइज, यानी कि इस क्लस्टर की साइज, ये क्लस्टर की साइज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, सिर्फ इतने की 7 साइज है, तो इसको कैपिटल एन दिया गया है। नंबर ऑफ क्लस्टर विथ इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि ये पूरा देखे तो ये पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में टोटल कितने नंबर ऑफ क्लस्टर हैं, तो एक क्लस्टर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि 3 क्लस्टर्स हैं, तो ये हमारा एम हो गया। द नंबर ऑफ चैनल अवेलेबल इन द क्लस्टर, क्लस्टर में टोटल कितने चैनल अवेलेबल हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है के इंटू एन, ठीक है। और द कैपेसिटी ऑफ सेलुलर सिस्टम, सेलुलर सिस्टम की कितनी कैपेसिटी है, तो एम इंटू एस, और एस की जानते हैं हम एस इक्वल्स टू क्या है, के एन, यहाँ पर एस इक्वल्स टू एम के एन, एस की जगह के एन पुट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू यानी कि कैपेसिटी की वैल्यू है, सेलुलर सिस्टम का जो कैपेसिटी है उसकी ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपका कि नंबर ऑफ चैनल अवेलेबल इन द क्लस्टर। द फ्रिक्वेंसी रीयूज फैक्टर इज 1/9 सॉरी एन, जैसे कि इस क्लस्टर का देखा जाए तो कितना है, साइज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो जो क्लस्टर की साइज है 7 है, तो यानी कि फैक्टर रीयूज फैक्टर कितना है, फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर कितना है, 1/7, ठीक है।
ये रहा, मैंने छोटे से कंपैरिजन की है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये पहले ज़माने में यूज़ होता था एंटीना, वो है, और ये अब की यूज़ जो हो रही है वो है। इसमें देखिए कि एक एंटीना यूज़ हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, और बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करने की वजह से इसको हाई पावर रिक्वायर हो रही है, लेकिन इसमें फ्रिक्वेंसी को रीयूज़ नहीं किया जा सकता है। यहीं देखा जाए फ्रिक्वेंसी रीयूज़ नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे इतने सारे एरिया को ये कवर कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से रीयूज करेगा बंदा। अकेला ही है ये बेचारा एंटीना, अकेला ही है जो कि बाकी सबको मैनेज कर रहा है। बस प्रॉब्लम क्या है कि इसको हाई पावर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिए यही क्या किया गया है कि छोटे छोटे एंटीना बना दिए गए हैं। छोटे छोटे एंटीना को अलग अलग सेल्स से एलोकेटेड कर दिए गए हैं। अलग अलग सेल्स में एक एक एंटीना है जिसको बेस स्टेशन कहा जा रहा है, और इसको क्या रिक्वायरमेंट हो रही है, एक बेस स्टेशन को कितनी पावर रिक्वायरमेंट हो रही है, बहुत कम पावर रिक्वायरमेंट हो रही है। प्लस ये स्मॉल एरिया को कवर कर, जब स्मॉल स्मॉल एरिया को कवर करा तो इससे देखिए बड़ा सा बन गया। इन फ्रिक्वेंसी को क्या है कि रीयूज भी कर सकते हैं। सेल स्प्लिटिंग टू इंक्रीज कॉल कैपेसिटी, यानी कि सेल्स, ये जो सेल्स हैं, ये छोटे छोटे सेल्स को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। इसकी वजह से जो कॉल की कैपेसिटी है ना, वो इंक्रीज हो गई है। इसके वजह इसमें इंटरप्शंस नहीं हो रहे हैं, बात करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसलिए कॉल की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये है इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। ये रहा आज का सेशन, थैंक यू। तो ओवरऑल आज का क्लस्टर नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क के बारे में मैंने कवर कर दिया है। सेलुलर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती और आप उसे डिसलाइक करते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आप मेरी चैनल को डिसलाइक क्यों किए हैं, ताकि मैं उन जो भी मेरे अंदर गलतियां हो रही है वीडियो बनाने में, मैं उन्हें रिमूव कर सकूं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।